पना। जी मैडम, मैंने तुम्हें जो फाइल रखने के लिए दी थी वो तुमने कहाँ रखी है? सॉरी मैडम जी, हमको याद नहीं आ रहा है। जाइए, निकल जाइए, मुझे दूसरा अच्छा नौकर मिल जाएगा। इस घड़ी के कांटे को तो उल्टे घुमाएगी तो तू 4 घंटे पीछे चली जाएगी, फिर जो भी कुछ होगा तेरी आंखों के सामने होगा। इधर दादी सास, मुझे जल्दी से 4 घंटे पीछे भेज दीजिए ताकि मैं देख पाऊँ कि उस वक्त क्या हुआ था। रबर रब घूम रही है दादी सास। 1995, इसका मतलब मैं 1995 में आ गई। ये दादी सास भी ना, कब से उन्हें बुलाया है अभी तक नहीं आई। क्या बात है बेबली, टेंशन में है? हाँ दादी सास, अरे क्या बताऊँ आपको, सासू माँ पौना भाई को घर से बाहर निकाल रही है। फिर से क्यों? वो हुआ यूं। हाँ जी सर, जी हाँ सर, मैंने सारे दस्तावेज चेक कर लिए हैं, मैं बस लेके आ ही रही हूँ ऑफिस में। जी पौना, पौना। जी मैडम, मैंने तुम्हें जो फाइल रखने के लिए दी थी वो तुमने कहाँ रखी है? कौन सी फाइल मैडम जी? अरे क्या कौन सी फाइल, मैंने तुम्हें वो दी थी ना, और देते वक्त ये भी कहा था कि ये बहुत इम्पोर्टेंट फाइल है, संभाल के मेरे कमरे में रखना, और ये भी कहा था कि इसमें बहुत जरूरी प्रमाण पत्र और दस्तावेज है, कहाँ रख दी तुमने? हाँ तो सासू माँ, वो फाइल आपके कमरे में ही होगी ना? कमरे में मैंने छान मारा सब कुछ, मुझे नहीं मिली, इसलिए तो पूछ रही हूँ इससे। कमरे में ही होगी, कहाँ रखी? हम याद कर रहे हैं मैडम जी कि आपने हमें फाइल दी थी कि नहीं। ओ अच्छा, इसका मतलब आप तुम्हें ये कहना है कि मैंने तुम्हें कोई फाइल दी नहीं थी। नहीं मैडम जी, ऐसा नहीं कह रहे हैं। पौना भाई ठीक से याद करो, फाइल कहाँ रखी थी आपने? अरे क्या ठीक से याद करो सागर, मैं कह रही हूँ ना कि मैंने खुद अपने हाथों से वो फाइल पौना को दी थी। बस पूरा दिन खिकी करते रहते, काम में ध्यान होता है आपका पौना जी? मॉम आप टेंशन मत लीजिए, फाइल घर में ही होगी, मिल जाएगी। कैसे टेंशन नीलू सागर, बहुत इम्पोर्टेंट फाइल है, उसमें मेरे सारे प्रमाण पत्र, बहुत इम्पोर्टेंट कागजात है। मुझे आज उन सब कागजात की कॉपी लेकर प्रेसिडेंट जी के ऑफिस में जाना था सबमिट करने के लिए, क्योंकि कल मुझे चुनाव पत्र भरना है। अगर मैं वक्त पे चुनाव पत्र नहीं भर पाई तो मैं चुनाव नहीं लड़ पाऊंगी सागर। सॉरी मैडम जी, हमको याद नहीं आ रहा है। क्या याद नहीं आ रहा? जाइए, निकल जाइए, मुझे दूसरा अच्छा नौकर मिल जाएगा। याद नहीं आ रहे? अब क्या करूं, पौना भाई गलत है या सही कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन सासू माँ उन्हें घर से बाहर निकाल रही है, ये तो गलत है ना? अच्छा एक बात बता मुझे, अनुसूया ने उसके दस्तावेज कब दिए थे पौने को? लगभग 4 घंटे पहले। अच्छा, तुझे जानना है 4 घंटे पहले क्या हुआ था? हाँ दादी सास, काश 4 घंटे पहले मैं घर में होती तो सब देख पाती ना, मार्केट चली गई थी सब्जी खरीदने। कोई बात नहीं, अभी मैं तुझे 4 घंटे पहले घर में ले आती हूँ। ये देख, ये क्या है? ये तो घड़ी है दादी सास, इसका मैं क्या करूंगी, मेरे पास बहुत है। बेबली, ये ऐसी वैसी घड़ी नहीं है, जादुई घड़ी है। अच्छा हाँ, इस घड़ी के कांटे को तो उल्टे घुमाएगी तो तू 4 घंटे पीछे चली जाएगी, फिर जो भी कुछ होगा तेरी आंखों के सामने होगा। ये ये तो मस्त आइटम है दादी सास। अरे वाह भाई वाह, ये तो दादी सास, मुझे जल्दी से 4 घंटे पीछे भेज दीजिए ताकि मैं देख पाऊँ कि उस वक्त क्या हुआ था। ठीक है, ये ले और देख ले, लेकिन एक बात ध्यान से सुन, तू भूतकाल में चली तो जाएगी, जो कुछ भी होगा तेरी आंखों के सामने होगा, लेकिन तू किसी को दिखेगी नहीं और तू किसी से बात भी नहीं कर सकेगी, और तू ये काला बटन दबाएगी तो एक बार किसी को दिख सकेगी और बात भी कर सकेगी, एक ही बार। हाय हाय,
क्योंकि जो भी कुछ हो रहा होगा तेरी आंखों के सामने हो रहा होगा, गलत या सही, तो तू तो उसे फौरन बदल देगी ना। और इंसान की जिंदगी में जो भी कुछ हो रहा है उसका चक्र ऊपर वाले के हाथ में होता है। बाबा, दादी सास, कितना ग्रेट बोलती हो आप, सच में दिल को छू जाता है एकदम डायरेक्ट। दादी सास, अब तो मैं आराम से भूतकाल में जाती हूँ। इसको ऐसे गोल गोल घुमाऊं ना? चल चालू कर। मस्त है। बिबली संभाल। ये क्या हो रहा है? इसको क्या हो रहा है? घड़ी के कांटे पीछे ही घूमते जा रहे, पीछे ही घूमते जा रहे। रबर रब घूम रही है दादी सास। ए, ए बेबली, हाय हाय, बेबली गायब हो गई। कहाँ पहुंच गई होगी? इधर कैसे पहुंच गई? ये भी तोड़ दिया। दादी सास, हाय हाय, ये घर तो हमारा ही है लेकिन इतना अलग अलग क्यों लग रहा है? उन्नीस सौ पंचानवे, मैं तो दो साल की थी। मजा पड़ी भाई, मजा पड़ी। अरे क्या मजा पड़ी गई? मैं यहाँ आ तो गई हूँ लेकिन वापस कैसे जाऊंगी? दादी सास। अरे ये करंट फिर से चला गया, कितनी गर्मी लग रही है। दादी सास, सागर बाबला का जन्मदिन है आज और आज ही बिजली गई। पापा, मेरी वर्तमान में वापस जाने की टेंशन तो दूर हो गई। दादी सास चित्रगुप्त काका से मिलकर मुझे वर्तमान में वापस ले जाने के लिए जरूर कोई ना कोई जुगाड़ करेगी ही। आए हाय, क्या लग रही हो दादी सास। आहा, चलो अब तो दिख गए। मैं तो डर गई थी पापा के, मैं तो डर गई थी। ओहा, सॉरी, मैं तो भूल ही गई थी, आप तो मुझे देख भी नहीं सकती और मेरी आवाज भी नहीं सुन सकती। लेकिन दादी सास, मैं तो देख रही हूँ ना, एकदम जुवान जोत पक्का टॉप टू बटन ढिंचाक लग रही है दादी सास आप। एक काम करती हूँ, रमीला को पूछती हूँ। रमीला, ए रमीला, तेरे यहाँ भी करंट गया है क्या? हाँ दिवाली। हे भगवान, कब आएगी बिजली वापस? हाय हाय मेरी दादी सास। अच्छा हुआ तू आ गई, आज सागर बाबला का जन्मदिन है ना, तो मैं मेवा डाल के मस्त शीरा बना रही हूँ उसके लिए। अरे वाह, देखिए मम्मी जी, मैं भी सागर के लिए कितनी सारे गिफ्ट्स और डेकोरेशन का सामान लेके आई हूँ। अरे वाह, आज सागर जी का जन्मदिन है। अरे वाह, तब तो मुझे छोटे छोटे मटक मटक सागर जी से मिलने का मौका मिल जाएगा। छोटे सागर जी, चल अनुसुईया मेरी मदद करने चल। अब मम्मी जी, मम्मी जी अनसुया नहीं है, अनसुया, अनसुया, अनसुया। हाय हाय, सासु माँ दादी सास को भी सिखाती थी? मालूम है, लेकिन हम लोग अनसुया ही बोलते हैं। तू मास्टर नहीं मत बना, जा बाबला को तैयार कर। एक मिनट, सागर बाबला कहाँ है? मुझे क्या पता, वो तो घर पे था। नाना, वो तेरे साथ था, वो तेरे साथ खेल रहा था, फिर तू उसको लेके गई ये सब शॉपिंग करने को। मैं सागर को मेरे साथ लेके गई थी? ओह, इन्हें कहूंगी कि मुझे याद नहीं आ रहा है तो पूरा घर सर पे लेंगी। मम्मी जी,
मम्मी जी मैं सागर को यही घर पे छोड़ के गई थी। हाय हाय गांडी थे गई तू? अरे मैं खाना बना रही थी, मैंने तुझे बोला था सागर बाबला का ध्यान रखना। तू कहीं गई होगी और सागर बाबला को कहीं छोड़ के आई होगी। और सुया तेरा मैं क्या करूं, कहां होगा मेरा बाबला? अरे अड़ोसी पड़ोसी में पूछ के आती हूँ, और सुया कहीं भूल के आई है उसे तू? करूं मैं मम्मी जी मैंने वो हाय हाय आज सागर जी का जन्मदिन है और आज ही के दिन वो गुम हो गए। अगर ना मिले होते तो मेरी उनसे शादी ही ना होती ना तब। ओह क्या करूं क्या करूं, मुझे तो याद ही नहीं आ रहा है कि मैं सागर को अपने साथ बाहर लेके गई थी या घर पे छोड़ के गई थी। ओह क्या करूं थी, हेलो हेलो जागृति मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। क्या हो गया? अगर तुझसे खो गया है ये बात तो स्वीकार ही मत कर। तो बोल ना मैं क्या करूं? देख अनसुईया तू अगले म्युनिसिपल इलेक्शन में खड़ी रहकर पॉलिटिकल करियर की शुरुआत करने वाली है। अगर आज पड़ोस वालों को पता चलेगा कि तू लापरवाह है तो इसका असर तेरे करियर पर हो सकता है। अच्छा तो मैं अब क्या करूं? तू प्रैक्टिकल सोच, सागर को तो पुलिस ढूंढ लेगी, समझी? ठीक है तो मैं यही कहूंगी कि मैं तो सागर को मेरे साथ बाहर नहीं लेके गई थी, मैं उसे घर पे ही छोड़ के गई थी मम्मी जी के पास, ठीक है ना? अब क्या? थैंक यू। पूरा मोहल्ला में देख कर आई, मेरा सागर बाबला कहीं पे भी नहीं है, पता नहीं अनुसुईया उसे कहाँ रख कर आई होगी। मम्मी जी मम्मी जी मैं कह रही हूँ मैं कहीं पे नहीं रख के आई, मैं घर पे ही छोड़ के गई थी उसे। अच्छा आप मुझे गाड़ी की चाबी दीजिए, मैं पुलिस स्टेशन जाके कंप्लेंट करके आती हूँ। अच्छा एक मिनट, ये ले चाबी, पता नहीं कहाँ रख दिया होगा। हाँ आपकी तसल्ली के लिए देख के आऊंगी। मम्मी जी हाँ मम्मी जी गाड़ी की चाबी तो दीजिए। अरे गाड़ी की चाबी अभी टेबल पे रखी ना, फोन के पास रखी मैंने अनुसुईया। मम्मी जी वो फोन के पास मैंने देखी नहीं है। अरे देखिए मम्मी जी आप ऐसा ही करती है, आप खुद भूल जाती है और फिर मुझे दोष देती है। मैं कुछ भूली नहीं हूँ, तेरे सामने रखी मैंने टेबल पे। नहीं है मम्मी जी। आ जा दिखाती हूँ तुझे, दिखाती हूँ अभी तू चल। फोन के पास ही है। क्या फोन के पास नहीं है, ये क्या है? ऐसे ही तू सागर को ऐसे ही रख के आई होगी किधर? दिवाड़ी हाँ मिला सागर? नहीं नहीं भगवान करे मिल जाए, बाकी आजकल तो बच्चे का अपहरण करके पैसे मांगने के बहुत किस्से सामने आ रहे। ध्यान रखना चलते हैं। सागर मिल जाएगा चिंता मत कीजिए। हे भगवान मेरे सागर का किसी ने अपहरण तो नहीं किया होगा ने? दादी सास आप तानसेन मत लीजिए, सागर जी को कुछ नहीं होगा। मैं एक काम करती हूँ, ये काला बटन दबाकर दादी सास को समझा देती हूँ। नहीं नहीं दादी सास ने कहा था कि ये काला बटन दबाने से मैं एक ही बार किसी से बात कर सकती हूँ और उसे दिखूंगी। नहीं अभी नहीं, शायद इसकी जरूरत मुझे आगे पड़ जाए। मेरे चचेरे भाई का पोता रमन
उसका अपहरण हो गया। मेरे पोते का तो अपहरण नहीं हुआ होगा ने? आज बेचारे का जन्मदिन है, पता नहीं हम लोग मना पाएंगे भी या नहीं। मम्मी जी, आप ऐसे नेगेटिव बातें क्यों कर रही हैं? अरे ऐसे विचार आ रहे हैं मन में तो क्या करूं मैं? अगर ऐसे नेगेटिव विचार आ रहे हैं तो घोड़ी और माता के नाम का जाप कीजिए, तो ऐसे विचार नहीं आएंगे। अपहरणकारों का फोन होगा। हेलो, उसको बोल जो भी चाहिए मैं दे दूंगी उसको, मेरे सारे गहने, मेरे पित्तल के वासन, घर भी उसके नाम पर दूंगी, लेकिन उसको बोल मेरे पोते को वापस दे दे, बोल दे उसको। मम्मी जी, अपहरणकर्ता का फोन नहीं है, जागृति का फोन है। हेलो, सॉरी सॉरी जागृति, वो मैं तो नहीं, जागृति सागर नहीं मिला आपका। ले, खुद ही बच्चे का ध्यान नहीं रखती और मुझ पे गुस्सा करती है। वाह वाह, तो गुस्सा नहीं करूंगी तो और क्या करूंगी। हे भगवान, सागर जी गुम हो गए तो ये बेचारी दोनों कितनी तानसेन में कितना झगड़ भी रही है और मैं कुछ कर भी नहीं पा रही हूँ। तो बाजार गई थी, उसके पहले लुका छुपी किसके साथ खेल रही थी? मैं लुका छुपी सागर के साथ ही खेल रही थी, लेकिन लुका छुपी खेलते खेलते वो घर के अंदर आ गया था। लुका छुपी? लुका छुपी के बारे में सागर जी ने एक बार मुझे कुछ बताया था, कौन सी बात थी वो? वही याद कर, वही याद कर। मेरी आवाज नहीं सुन पा रही हो? मैं ही कुछ करती हूँ। आपको पता है आप छत पर सो गए थे, आपके बाल तो देखिए, हाय कितने प्यारे लग रहे हो। थैंक यू सागर जी, जन्मदिन मुबारक हो। थैंक यू दीदी। दीदी लगी है भगवान में दीदी? नहीं नहीं सागर जी, मैं आपकी दीदी नहीं हूँ। तो क्या कहो, आप मेरी कौन हो? मैं तो आपकी वो सागर जी, वो आपको धीरे धीरे पता चल जाएगा कि मैं आपकी कौन हूँ, क्या हूँ। अभी तो कुछ नहीं हूँ, लेकिन ऐसे आगे आगे पता चल जाएगा कि क्या हूँ। ठीक है, कितने क्यूट रहे सागर जी। अरे सागर जी, आप जल्दी से अंदर जाइए, आपकी दादी और आपकी मम्मी कब से आपका इंतजार कर रही है, आज आपका जन्मदिन है ना, जाइए। हाय, इस जादुई पेन और पेपर से मैं बेबली को वापस बुला लूंगी। चित्रगुप्त जी ने कहा है पेपर पे लिख देना, मही 2016 में वापस आ जा, तो बेबली वापस आ जाएगी। मैं लिख देती हूँ, मही 2016 में वापस आ जा। बेबली, आ गई वापस। थैंक यू अम्मे माँ, थैंक यू। वापस आ गई। पहुंच गई थी दिखरा? अरे क्या बताओ दादी सास, मैं तो सीधा 1995 में पहुंच गई थी। सो बात करे छे, तो यहाँ से सीधा वहाँ। हाय हाय, कैसा लगा? अरे बहुत मजा आया दादी सास, टेस्टरा ने झलसा पड़ी क्या साचे। मुझे ना आपको बहुत कुछ बताना है, और वो तो पोना भाई कहाँ है? अरे सामान बांध के बैठ गया है, तेरी राह देख रहा है, जा जल्दी उसके पास। पोना भाई रुक जाइए। अरे मही कहाँ थी तुम? देखो पोना भाई घर छोड़ के जा रहे हैं। हाँ मही भौजी, हम जा रहे हैं, हमसे कोनो गलती हो गई हो तो हमें माफ कर देना। नहीं पोना भैया, अब घर छोड़कर मत जाइए। देखिए अब सासू माँ की बातों का इतना बुरा मत मानिए, वो तो ऐसे सासू माँ थोड़ा गुस्से गुस्से में बोल गई होगी, उनके दिल में ऐसा कुछ नहीं है। पोना भाई आप मत जाइए, वरना मैं चेस किसके साथ खेलूंगी?
चेस के रानी, राजा, गुलाम, इक्का, जोकर, सब लोग यही कहेंगे, मत जाइए। मैं ही सासुमा से बात करती हूँ। सासुमा, सासुमा। क्या है? ये फाइल तो जी चंपक भाई, हाँ वो प्रमाण पत्र है मेरे पास। हाँ हाँ, वो ये पौना चद्दर कभी ठीक तरह से नहीं लगाएगा। नहीं नहीं, आपसे नहीं, यहाँ नहीं। हाँ बताइए ना, मैं सुन रही हूँ। अच्छा वो कागज भी आपको चाहिए? अच्छा, और कौन कौन से दस्तावेज? हाँ वो है मेरे पास। हाँ अच्छा, हाँ वो सर्टिफिकेट भी है। ओके, उसकी कॉपीज दूँ आपको? हाँ ठीक है ठीक है। हाँ जी 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 जी, लेके आऊंगी। ओके चंपक भाई, थैंक यू। सुषमा, ये तो वही फाइल है ना जो आप ढूंढ रही थी? वही फाइल है। दरअसल मेरे कमरे में पौना जब मेरा बिस्तर ठीक करने के लिए आया था तो गद्दे के नीचे रख कर भूल गया। हमने कब? पौना, आगे से ध्यान रखना, ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए, समझे? और ये सब क्या है, नौकरी छोड़कर वगैरह जाने की कोई जरूरत नहीं है? अभी क्या सब लोग यहाँ पे खड़े हो, जाओ जाओ अपना अपना काम करो। हाँ। चलिए मैं चेस लेकर आती हूँ, फिर खेलेंगे हम लोग। एक बात बताइए, ये फाइल गद्दे के नीचे रखकर आप ही भूल गई थी ना? नहीं। हाँ हाँ, लेकिन वही तुम्हें कैसे पता चला? यही कि आप चीजें रखकर भूल जाती हैं और दूसरों पर इल्जाम लगाती हैं। What rubbish! सागर जी जब छोटे थे तो एक बार आप उन्हें कहीं भूल आई थी ना? कैसे पता? मही, तुम मेरी पुरानी डायरी